तो बज चुके हैं सुबह के करीब 3:30। हमारे बैग्स हो चुके हैं रेडी बिल्कुल। हम 3 दिन के लिए घर से बाहर रहेंगे, इसके लिए मम्मी सारे बर्तन अभी धो रही है। दीदी रेडी हो चुकी है, ये अरे सनी सोया हुआ, उसको जल्दी उठाओ। तुम किस काम के हो? घर में ना आधा लीटर दूध बच गया था, अब उसका क्या ही करेंगे, हम 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं 4 दिन के लिए, तो मम्मी ने सबका चाय बना लिया, तो अभी खाएंगे हम चाय और फैन, तू भी खाने आ जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। अभी बज चुके हैं 4:45 और निकलने का समय हो चुका है। जो हमारा फ्लाइट है टर्मिनल 1 से जाएगा, तो कितना समय लगेगा यहाँ से? आधा घंटा लगेगा। हम अपने टाइम से थोड़ा लेट ही है और गाड़ी लेके अंकल ऑलरेडी पहले आ चुके थे काफी, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मेरे को फ्रेम में लेने के चक्कर में तेरा सर कट जाता है। सही में देखो भाई, मेरा फ्रेम ये होता है, इसको लेने के लिए ऐसे करना पड़ता है। हारमोनियम तो ले आप ना, बिना हारमोनियम के। गाइस देखो इतना बड़ा बैग में हम सबका कपड़ा है। इस बार जो बैंगलोर है ना, तो हम वैसे 1 हफ्ते का टूर था, लेकिन हमें कुछ कुछ और भी काम था दिल्ली में, तो हमने बोला कि सिर्फ 3 ही दिन का रखते हैं, 7, 8, 9 तारीख को बैंगलोर में बहुत मजा आने वाला है, हम बहुत लोगों से मिलने वाले हैं और आपको मिलवाने वाले हैं। तो बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और व्लॉग को पूरा देखिएगा। ये रहा हारमोनियम। सनी गया है अभी अपना मैथ्स का बुक और कॉपी लेने के लिए, बैंगलोर में पढ़ाई करेगा। जल्दी करो यार, एक दो तीन चार, 3 तो इंस्ट्रूमेंट है और 1 बैग है, अब उठाएगा कौन कौन? सब मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं, सनी क्या कहता है, ट्रॉली लेके भाग जाता है, सब उठाने वाला मुझे उठाना पड़ता। बता ये तो जल्दी शीशा वो करो, निकलते जल्दी, शक्ल तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। जल्दी यार देखने वो बंद है कि नहीं। सब बंद है, पूरे घर को हमने ताला मार दिया है। निकलो यार जल्दी जल्दी। चलिए कूच करते हैं बैंगलोर के लिए। बेचारे अंकल को उठना पड़ा इतनी रात में। ओ मैं यही सो रहा था यहाँ पे। इधर पापा वेट कर रहे हैं हमारा। रात में भी कितना चक चक रहता है एकदम। पहुंच गए। सही ट्रॉली लेकर जल्दी से। तो गाइस सिक्योरिटी चेक भी हो चुकी है आज, तो सब लोग पहचान गए हमें। जो स्टार्टिंग में आईडी चेक करता है वो भी पहचान गए, जो हमारे बैगेज कलेक्ट करता है वो भी पहचान गए, इधर ही पहचान गए। इजीली हो गया, हमारा फ्लाइट जो है वो 3 घंटे लेट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, अब जाके गेट पे बैठेंगे, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि रिफ्रेशमेंट का अरेंज हो जाएगा थोड़ी देर में, आप जाके बस गेट पे बैठो। तो बस जाते हैं। गेट नंबर क्या है? तो हमने नीचे देखा बहुत ज़्यादा भसड़ मची पड़ी है, एकदम बैठने का जगह ही नहीं है, तो हम ऊपर ही यहाँ पे सीट्स खाली थे जरी बैठ गए। जैसे लगेगा कि कुछ सीट्स खाली होगी नीचे, थोड़ा सा माहौल हल्का हो गया, तो हम नीचे चले जाएंगे। फिर 6 बजे का फ्लाइट था, हम 8, 8:30 बजे तक पहुंच जाते हैं, अब फ्लाइट हो गया 9 बजे का, और होप करते हैं कि और डिले ना हो। वैसे मेरा आदत है सोने का करीब 1:30-2 बजे का, लेकिन हमें निकलना ही था घर से 3:30 बजे के करीब में, मैं सोया ही नहीं और नींद बहुत भयंकर लग रही है। सोचा कि 6 बजे का फ्लाइट है, 6 से 8 आराम से सो के जाएंगे, अब 9 बजे का हो गया तो लग रहा है यहीं पर सोना पड़ेगा थोड़ी देर। आग देख सकते हैं बिल्कुल लाल लाल हो गया, मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर। फाइनली फ्लाइट में चढ़ चुके हैं सबसे पहले। पढ़ाओ
गाइस फाइनली बैंगलोर पहुंच चुके हैं। जब फ्लाइट उड़ी थी ना दिल्ली से तो बारिश हो रही थी बहुत तेज एकदम, लेकिन तब भी पहुंच गए, 2 घंटे में पहुंचा दिया हमें। ये भाई इसकी मस्ती शुरू हो गई भाई, ये भाई मत करो यार। वैसे वेदर कितना बढ़िया है, वेदर तो भाई एक नंबर हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बैंगलोर के आर्ट ऑफ लिविंग कैंपस में, और सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, मैं सो भी गया था। मम्मी सब ने तो एयरपोर्ट पे खा भी लिया था, लेकिन मैं उठा ही नहीं और मैं खाया भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे जम के ले लिया बहुत ज़्यादा खाना और अभी ठूस ठूस के खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये तो कुछ कुछ है, पायसम है यहाँ पे, टमाटर की सब्ज़ी है, और इसका भी कुछ नाम था वो भूल गया मैं। फिर मैंने चावल पे ये ले लिया है, सांभर रोटी है बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी खत्म करते सबको। इसे भी डालो सर, सर थोड़ी अच्छी फोटो खींच दूँ क्या आपकी? आपकी यानी फोटो खींच दूँ आपकी? ये सर जी हमारी एक फोटो खींच दीजिए आपकी, खींच दो आपकी, मैं पोज देता हूँ खींची तो। ओ वाह वेरी हैंडसम, अरे बहुत हैंडसम है आप हनी, बहुत आप बहुत सुंदर है। मैं आपके बाद ना आज के बाद आपको कभी भी तू करके नहीं बोलूंगा आप, ठीक है। ये ब्लॉगिंग हिस्ट्री में कम से कम 3-4 बार हो चुका है। तो देखिए अभी 6:30 बज रहा है, एकदम एक्यूरेट टाइम बता रहा हूँ आपको, 6:30 बज रहा है। अभी हम तैयार हो गए, अभी हम जा रहे हैं, और देखिए मेरे अलावा ना सबको एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बताएं, आप उसमें अच्छा देख सकते हैं और गंदा भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अच्छा दिखेगा, सब लोग अपना कुर्सी लेके जा रहे हैं कि उनकी सीट पे कोई बैठ ना जाए। ये चेयर क्यों ले जा रहे हैं लोग सर? क्योंकि हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है के साथ, इसलिए तो वहाँ वो लोग कोई किसी की सीट पे बैठना जैसे लिए कुर्सी पे बैठने के लिए, तो अपनी अपनी कुर्सियाँ साथ में ले जा रहे हैं। ओह मौसम
मौसम तो एकदम ऐसा हो रहा है जैसे गार्डन गार्डन हो रहा है। तुम खाने खाने के बाद जो गए तो मैं पढ़ते ही सीधा सो गया, और उसके बाद पापा मेरे को थोड़ी देर बाद ही उठाते हैं कि हनी जल्दी जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, यहाँ से निकलना है सत्संग के लिए। और हमने अभी तक आपको व्लॉग में नहीं बताया कि हम आए कहाँ पे हुए हैं, वो आपको दीदी बताएगी और अच्छे से। दीदी हम कहाँ पे आए हुए हैं? आर्ट ऑफ लिविंग के कैंपस में। और वैसे सेटअप ऐसा नहीं होता कभी भी जैसा ही बता रहे हैं, वो सब अंदर एक हॉल में होता है, लेकिन अभी आप देखिए पूरा खर्चा बिल्कुल भरा हुआ है, लोग पे लोग चढ़े हुए, इतने सारे लोग हैं, और हम लोग आराम से बैठ चुके हैं, और अब टेबल आएगा जिस पे अरेंजमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और पूरा माइक का सेटअप होगा, और फिर गुरुदेव आएंगे और उनके सामने में हम परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, बस अभी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आप भीड़ देखिए कितनी खचा खच है। सनी की बाजी छह ही आई का तू बता ना भाई, कोरियन थोड़े ना है, ये थाईलैंड के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड वियतनाम कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, लेकिन ये जो भाषा बोले ना ये थाईलैंड वाली थी। अच्छा, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लगता है। फिर क्या हुआ? क्या बोला बताओ तो। ऋषभ और अयाची के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हारमोनियम और तबला में प्रशिक्षित हैं। सोशल मीडिया पे जहां पे उनके 20 मिलियन से अधिक फॉलोइंग है, वहां भारी सफलता के बाद वह अभी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, साहित्य उत्सवों में प्रदर्शन करते हैं। Today we have amongst us Maithili Thakur. Maithili is currently one of the most popular Indian singers. She started learning music when she was 4 years old. She, along with her two brothers, Rishav and Ayachi, trained in Maithili folk, Hindustani classical music, harmonium and tabla. After a huge success on social media with over 20 million followers, the trio has been performing at various national and international events. We welcome you to the Art of Living International Center. Can we welcome her with a round of applause? You are great fan of you. Thank you. ये बिना तो तुमको देखे खाना नहीं खाता। मेरे बिना देखे खाना नहीं खाते आप। तो अभी ना ज्यादा लाइटिंग आ नहीं रही होगी,
मैं खो गया था क्योंकि सब लोग तो आगे आगे चले गए, लोग मेरे को फोटो खींचने के लिए रोक लिए थे। तो अभी मैं भैया लोग को बोल रहा हूँ भैया मेरे को घर पहुँचा दो कैसे करके। अरे आपको पूरा भारत या पूरी दुनिया जानती है, आप कहाँ खोने वाले हैं, आपको तो हम आपके मंजिल तक लेके जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल हम लोग जल्दी चल रहे हैं, अभी पीछे बहुत सारे लोग अभी आप लोग हमारे इंटरनेशनल आश्रम में है बैंगलोर के। अच्छा। जहाँ पे महाराष्ट्र से 5,000 लोग आए हुए और मैथिली जी ने जो अभी कानाडा राजा पंडरी का गाया है, मतलब दिल्ली से होकर भी इतना फ्लुएंटली मराठी वर्ड को एक्सप्रेस करना बहुत सुंदर था। बिहार से है ना? जी जी जी। कहाँ थी भगा के ले गए थे? पहुँच गए के 1 2 3 पहुँच गए ना? नहीं हमारा बड़ा बेटा नहीं पहुँचा। मिल रहा है वहाँ पर हम लोग मतलब एक पूरे दिन से सब कुछ ठीक था। एक बार हम लोग गा करके जब उठे ना तो इतना धक्का मुक्की हो रहा था ना कि मैं 2-3 बार मेरा पैर ऐसे ऐसे हो गया और मैं बिल्कुल रोड पे गिरने वाली थी क्योंकि फोटो के लिए आंटी लोग धक्का दे रही थी। तो फिर 3-4 अंकल लोग आए, हाथ ऐसे मिला के चेन बना के हमको लेके आए। सो हनी बेचारा फिर छूट गया पीछे। इतना जल्दी कहाँ जाना था, क्या हो गया था? फोटो आप लोग तो आगे चले गए, लोग मेरे को इधर ऐसे हो गया था, मेरे को लग रहा था बाप रे बाप अब क्या होगा मेरा। तो मेरे को 2-3 अंकल लोग ऐसे कर खींच के लाए, भाई जल उतारा करो, मैं खो गया था आज, पूरा इरादा था खोने का। दीदी तो कैसा रहा आज? अरे यार मजा आ गया, बहुत मजा आया ना, बहुत मजा आया। हम लोग आ चुके हैं, दीदी सनी तो वहाँ से भाग के निकल गए थे, मतलब उनको पूरा सिक्योरिटी ऐसे लेके चला गया, लेकिन तबला हारून मुझे पैक करना पड़ता है तो मैं रुक गया अपना। दीदी को ना लोग ना क्या करते हैं, आप जी ठीक है, क्योंकि दीदी को कुमल थी है ना, उसको ना करना सनी को बोलता है तू कहाँ से बीच में आ गया। हाँ एक बार हो गया था भाई, क्या हो गया, मैं बोल रहा अरे मैं हूँ यार। तो मैंने बढ़िया तबला पैक कर लिया, आ चुका है यहाँ पे, दीदी मम्मी सब कपड़ा बदल चुकी है और हम चाह रहे हैं अभी खाने के लिए। दीदी तब क्या होता है ना कोमल थी है तो लोग ना सब लोग पकड़ करके इसको ले जाता है, हम लोग क्या होता है एकदम क्या हो भाई तो बोल रहे हैं मैं भी था उनके साथ, मैं भी जाने दो मेरे को, पापा को पैदल जाने का मन है। दीदी बोल रही अंकल पैदल नहीं हो पाएगा, हम जाओ गाड़ी उधर जाना है दीदी, उल्टा जाना है। नहीं हमें उधर जाना है, दो गाड़ी। हेलो मैं ड्राइव करूँ क्या? फुल रैश मोबाइल पे हर रोज हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ मैं, वो सुन के ही सो जाती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।